अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? नाइट टाइम कुकिंग में वंस अगेन आप सबको खुश आमदीद। तरा आज क्या बन रहा है? आज बन रहे हैं ड्रमस्टिक्स। भूल ही गई आज क्या बन रहा है। आइए दिखाऊं आपको ड्रमस्टिक्स जिनको मैंने कट्स लगा लिए हैं, ये देख लें। और साथ में ये है वो वाला हिमालयन सॉल्ट है 1 टीस्पून, साथ में ये है क्या कहते हैं इसको, काली मिर्च पाउडर आधी टी स्पून, थोड़ा सा ये ऑयल है जो कि है ऑलिव ऑयल, ये है जी थाइम एंड रोजमेरी आधी आधी टी स्पून, चिली सॉस साथ में, सोया सॉस, कुटी हुई लाल मिर्चें, चिली फ्लेक्स और साथ में सिरका। और प्लीज़ ये करीब ले गई तो ये फड़फड़ कर रहा है, वरना लाइट ठीक है बिल्कुल। अच्छा अब हमने क्या करना है, ये मैंने एक और मिक्सिंग के लिए रख लिया। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? अब यार ठीक हो गया। अच्छा जी हमने ये कट्स इसमें इस तरीके से, ये देख लें, कट्स लगा लिए हैं ड्रमस्टिक्स में। और इसको अब हम ग्लव्स पहन लिए हैं, देखें सीरियल किलर ग्लव्स। और इसके अंदर अब हमने इसको दूर दूर, एक दूसरे से दूर दूर रखे इनको, बेचारियों को, जिस तरह हम लोग कहते हैं ना दूर रहो, दूर रहो मुझसे। अच्छा इसके अंदर अब हमने हल्का हल्का, ये देख ले, थोड़ा 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 ऑयल डालना है, ये देख लें, ये ऑलिव ऑयल डाल लें या आप कुकिंग ऑयल डाल लें या फिर बटर लगा लें, अप टू यू। ये किया, उसके बाद हमने इसमें जो काली मिर्च और हिमालयन सॉल्ट है वो हल्का हल्का ऊपर से स्प्रिंकल कर देना है, स्प्रिंकल। इसको हमने 10 से 15 मिनट जो है वो मैरिनेट करके रखना है, सो दैट अब आपने इसकी मसाज करना है इसको, हल्का 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 मसाज करें इसको आप। फिर हम इसमें थाइम और रोजमेरी जो है वो हल्की हल्की ऊपर से डाल देंगे। अब इसको पलट, तेरा ध्यान किधर है भाई, ये ले, पलट दिया इसको, पलट दें इसको, पलट दें, ये लिया पलट दिया। फिर थोड़ा सा रोजमेरी और थाइम जो बाकी बच गया है थोड़ा मोड़ा, वो हमने इसमें डाल दिया। और इसी तरह हमने जो चिली फ्लेक्स हैं वो भी हमने, यानी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा जिंक, यानी बिल्कुल ही ना हो ना कि गोरों वाला बना देंगे, बिल्कुल इसमें हमें थोड़ा सा पाकिस्तानी टच डालेंगे। और इसको हम बेक करेंगे, इस अवन में बेक करेंगे। और इसको ऑन कर लेते हैं, एक सेकेंड, हम इसको अप एंड डाउन रखेंगे, ये ऑन ही नहीं किया मैंने, ये ऑन हो गया। इसको हमने 30 मिनट्स तक, देख ले अप एंड डाउन है, और साथ में 180 डिग्रीज़ पे, 180 डिग्रीज़ पे ये अब गर्म होगा, तब तक हम वापस आ जाते हैं इधर। इस पर अब हमने डालना है चिली सॉस, थोड़ा 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 करके डालें ताकि इसके कट्स में आराम से जज्ब हो जाए। इसको अब आपने अच्छे तरीके से इसी तरह मिक्स करना है, ऐसे ऐसे अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा साफ सा बर्तन लें और उसमें इसकी पिटाई लगाएं और उसको खूब अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लें। लास्ट में अब हम डालेंगे सोया सॉस। सोया सॉस से बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। ये मेरा बड़ा सिंपल तरीका है, आई लाइक सिंपल फूड, तो ये बस चीज़ें जो मैं इसमें लगाऊँ, वरना तो मैं ये भी ना लगाऊं, लेकिन क्योंकि आप लोगों के टेस्ट बड ज़रा मसाले वाले हैं तो मैं तो खाली चिकन को सिर्फ काली मिर्च और नमक डाल के मैं उसको वो करूं, मैरिनेट करूं, बट आप लोगों को थोड़ा सा ज़रा चटपटौला पसंद है तो हम इसको ज़रा चटपटौला कर देंगे। ये किया, इसको अब लेके हमने ढक देना है क्लिंग फिल्म से और इसको 10 से 12 मिनट तक हमने, 15-20 मिनट आप लोग कर लें, 15-20 मिनट इसको हम करेंगे क्या, मैरिनेट करके रख देंगे ढक के, उसके बाद वापस आते हैं जब तक अवन गरम हो रहा है। ओके वेलकम बैक नाइट टाइम कुकिंग, ये देख लें ये हो गए मैरिनेट। एक बेकिंग ट्रे में मैंने, प्लीज़ ये लाइट पता नहीं क्यों इसमें, ये अब ठीक हो गई है, ये अब ख़राब हो गई है, अब ठीक हो गई है, अब ख़राब हो गई है, खैर एनीवेज
ये इसमें मैंने बेकिंग ट्रे में ये लगा लिया फॉइल, इसमें मैंने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है वो थोड़ा सा लगाया ताकि चिपकू चिपकू ना हो। अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप बेसिक कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर लें। मेरे पास था तो मैं यूज़ कर रही हूँ, वरना नहीं होता तो मैं कुकिंग ऑयल यूज़ कर लेती। अच्छा जी, अब हमने ये अपनी जो खूबसूरत प्यारी सी चिकन है इसको सेट करना है। इधर जितनी बड़ी ट्रे थी उतनी मैंने लेग्स ली हैं, ज़्यादा ओवर हो ना करें। जो ज़्यादा बनाना है तो आप अपना जो बेकिंग ट्रे है वो बड़ी कर लें। ये सारों को बराबर 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 रखें, सब टांगे बराबर। ये हो गई, ये देख लें, लाइन से लगा दिया इनको मैंने। साथ मैंने सोचा बैंगन पड़े हुए थे, एक बैंगन, थोड़ा सा प्याज और शलजम पड़ा था वो, और एक आलू। इससे ये होगा कि फ्लेवर इन्हांस हो जाएगा। ये आपने बैंगन जो है साइडों पे डाल दिए इस तरह करके। दिस इज अ वेरी सिंपल एंड नाइस गुड डिश। अगर ड्रमस्टिक्स नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप जो है कोई भी चिकन के पीस लेके वो भी कर सकते हैं। आलू भी इस तरह रेंडमली आपने साइड पे डाल दिए, इसी के साइड पे, ये साथ साथ ही पक जाएंगे। ये आप देखना, ये इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और एक एक्स्ट्रा कॉन्डिमेंट टाइप चीज़ हो जाती है कि भाई। और हमने इस तरह प्याज का छिड़काव कर दिया इसके ऊपर, छिड़क दें प्याज को गोल। वैसे भी 400 रुपए किलो है तो बेशक ना डालें। आपके पास जो भी सब्जियां हैं, टमाटर है, पार्सले है, वो इसके ऊपर ऐड कर लें, उससे इसका फ्लेवर और इन्हांस हो जाएगा। ये किया हमने, ये देख लें, ये सारा कुछ करके। कोई नमक इसमें नहीं डालना क्योंकि ऑलरेडी नमक है इसमें। मैं सिर्फ हल्का सा इस तरीके से आपने ऐसे रखना है ऐसे, और ड्रिजल कर देना है थोड़ा सा ऑयल, ये इस तरीके से हल्का हल्का ड्रिजल। फिंगर रख के आप करेंगे तो ज़्यादा नहीं जाएगा, ये हल्का हल्का आपने सब्जियों पे भी ड्रिजल कर दिया और ये जो चिकन है इसके ऊपर भी, क्योंकि ये अभी कुक होगी और फिर ये मॉइस्ट होगी, जूसी होगी, बिल्कुल अकड़ी पुकड़ी नहीं होगी। ये हमने लेके, ये आपको लग रहा है ज़्यादा बट मैंने इस वक्त फिंगर रख के बिल्कुल इवनली मैं इसको कर रही हूँ। ये ठीक है, तारा ये देख लें, ये हमारा इसका नाम क्या रखें, ड्रमस्टिक्स डिज़ायर। ठीक है, इसका नाम मैंने ड्रमस्टिक डिज़ायर रख दिया। तारा हमारा अवन जो है वो गर्मा गर्म हो गया माशाल्लाह से, और अब हमारे ये जाएगा इसमें इस तरीके से 180 डिग्रीज पे एटलीस्ट 30 मिनट्स तक ये इसमें। अब आपको दिखाती भी रहूँगी जब ये पक जाएगा, ला 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 ला। तब तक मैं अपनी चाय वाय बनाती हूँ, अभी सहरी में एटलीस्ट 3 घंटे बाकी हैं तो चाय, आपको पता है चाय चाहिए। कौन सी जनाब, अभी कुछ पक भी रहा है इसमें, बॉइलिंग हो रहा है, बॉयल हो रहा है। हम देखें पक रहा है ड्रमस्टिक्स, मैंने चाय बना ली है। ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है भाई, वाह 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 वाह। चाय चाहिए, बीच में रस्क डबोएं ऐसे ऐसे करके, और इसको ऐसे ऐसे करें, और फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के। हाँ, ओ वाह, ये ब्राउन वाले रस्क हैं, चोकर वाले, चोकर। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और डिबोएं ऐसे करें, और फिर बिस्मिल्लाह माने। गर्म गर्म चाय, मेरा फेवरेट खाना जो है ना, आप लोगों को बताऊं, मुरक्कन मैं बाहर से बिल्कुल ऑर्डर नहीं करती, और रेस्टोरेंट्स में खाना मुझे बहुत ऑड लगता है, लोग बैठे हुए, शोर गुल। मेरा फेवरेट खाना है सबसे सिंपल, चाय में रस्क ब्राउन वाले, या फिर बासी रोटी। जितना खाने को सिंपल रखेंगे ना, मज़ा नहीं आप खाने का,
इतना खाने को सिंपल रखेंगे, फिट रहेंगे, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स कम होंगे। बाहर हमें क्या पता किस तरह के तेल में पकाते हैं, हम तो वैसे ही बेईमान, हमारी एक सोच है किचन में किस तरह पक रहा होता है। इतनी दफ़ा ये जो जो फूड रेगुलेशन वाले लोग हैं, उन्होंने कितने लोगों को कैसे पकड़ा है, कितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स जो हैं उनके किचन कितने उस पता लगा खोते घोड़े पता नहीं किस किस का गोश्त खा गए हैं कबाबों के नाम पे। अब ये होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देख लें, बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है, ये आप देख लें जूसी। और ये इसकी जो ग्रेवी है ये भी बहुत, मतलब बिल्कुल ड्राई नहीं है, इट इज़ परफेक्टली वेल डन। मीडियम रेयर भी नहीं है, मीडियम भी नहीं है, बल्कि वेल डन मिशी खान, वेल डन, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, अब हमने इसको खाना भी है, खा के आपको दिखाना है, वो भी दिखाती हूँ। ये देख लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, परफेक्टली कुक्ड है ये, ये देख लें परफेक्टली कुक्ड है। वाह, अब एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है तो इसको हम काट लेते हैं। ये देख लें, ये देखें, ये हाथ नहीं आ रहा भाई, स्लिप हो गया, स्लिप। ये देखें, इसमें आपने एक आलू ऐड करें इसमें। लुक एट दिस ब्यूटी, लुक एट दिस ब्यूटी। चक्कर आ गया इतने मजे का। वाह, बैंगन परफेक्टली डन। ये देखें, इन सारों का जो इंडिविजुअल टेस्ट है ना, इट इज माइंड ब्लोइंग। मैं क्या खा के आपको इसलिए दिखाती हूँ ताको ये ना, ताको कह रही हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि ये एवं ही बन रहा है सारा कुछ। रियल सब्जियों का फ्लेवर है, उसकी वजह ये हमें बहुत मसाले दे और चिकन टिक्का मसाला और दही और फलाना कुछ ने, रियल चिकन का फ्लेवर है, रियल सब्जी का फ्लेवर है। आप बना के देखें फिर आप मुझे बताएं। ये देखें, ये रियल बैंगन का फ्लेवर है और रियल आलू का फ्लेवर है। एक और हो जाए भाई मिशी खान। ओह रोस्ट, परफेक्टली कुक्ड है। एच सैवेज, सैवेज की तरह खा रही हूँ मैं, परफेक्ट। जरूर ट्राई करें, थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द रेसिपी। नाइट टाइम कुकिंग में इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी कल विद अनदर एक्साइटिंग रेसिपी। सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन दबा दें, साथ में आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। कमेंट ज़रूर करें, दुआ में याद रखें, बस शहरी में थोड़ा सा टाइम मेरे ख्याल दो घंटे रह गए, डेढ़ दो घंटे रह गए। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।